हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत सारे हॉल वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। कोशिश करती हूँ कि अफोर्डेबल रेंज की साड़ियों का हॉल वीडियो आप सबके साथ शेयर करूँ कि अफोर्डेबल रेंज में आपको कौन सी मटेरियल क्वालिटी मिलने वाली है, इस क्वालिटी को आप पहन सकते हैं, क्या वो अपने रेट के अकॉर्डिंग जस्टिफाई है या नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे हॉल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मेंशन कर। तो अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आप सबके साथ शेयर किया था अमेजन साड़ी हॉल, वो सिल्क साड़ी हॉल था, लेकिन आपके कमेंट आ रहे थे कि मैं अंडर 500 आपके साथ अमेजन साड़ी हॉल शेयर करूँ। तो डेफिनेटली आज का थंबनेल देख के आप सब जान गए हैं, आज का टाइटल देख के आप सब जान गए हैं कि ये जो वीडियो होने वाला है ये अंडर 500 अमेजन से मैंने कुछ साड़ियाँ परचेज करी हैं, उनकी क्वालिटी कैसी मिलती है, क्या वो अपने रेट के अकॉर्डिंग जस्टिफाई है या नहीं है, ये सारी ही बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही प्यारा सा लाइट सा कलर है और मैं आपके साथ वो पिक्चर भी शेयर करी हूँ जिसको देख के मैंने इसको ऑर्डर करा था। तो मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। तो ये आपको कोटा सिल्क वाला जो फैब्रिक होता है ना उसमें मिलती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके आँचल से। तो ये इसका आँचल है और ऊपर की तरफ आपको ये पतला बॉर्डर मिलता है और नीचे की तरफ आपको इसी का चौड़ा बॉर्डर मिल जाता है। साड़ी की लेंथ बहुत ज़्यादा प्यारी आपको मिलती है, कलर जो कॉम्बिनेशन है वो साड़ी का आपको बहुत सुंदर मिलता है। इस तरह के जो कलर्स होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा प्लीजेंट से लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनको फंक्शन में भी कैरी कर सकते हैं और आप इनको अपने वर्क प्लेस पर भी कैरी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप घर में साड़ी पहनते हैं तो उसके लिए भी ये सुपर डुपर अफोर्डेबल रेंज की साड़ी होने वाली है। और लेंथ आपको मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा प्यारी लेंथ आपको मिलती है और इसके साथ आप कोई भी ब्लाउज़ जो है वो पेयर कर सकते हैं। आप पिंक कलर का ब्लाउज़ भी पेयर कर सकते हैं या आपके पास इसी कलर का ब्लाउज़ है तो आप इसके साथ पेयर कर सकते हैं, या गोल्डन कलर या ऑरेंज कलर के साथ भी आप इसको पहन सकते हैं। बीच बीच में आपको ऑरेंज भी दिखाई दे रहा होगा। अब ये लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है तो अगर आप चाहें तो इसमें से भी ब्लाउज पीस निकाल सकते हैं। साड़ी रेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल जस्टिफाई है, बहुत प्यारा सा पीस आपको इस रेट में मिल जाता है और ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं साड़ी या लेने देने के लिए कोई अच्छी सी प्यारी सी साड़ी ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। या अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कोई अच्छा सा गिफ्ट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा गिफ्ट नहीं देना चाहते हैं, अफोर्डेबल रेंज का गिफ्ट देना चाहते हैं जो कि वो यूज़ करें, कि बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी होती हैं कि उसको पहनना यूज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें अफोर्डेबल रेंज का कलेक्शन ही अपने पास रखना चाहिए जिसको हम अच्छे से यूज़ कर सकें। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो उसके लिए भी साड़ी बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगी। कपड़े की क्वालिटी सुपर डुपर कंफर्टेबल है, आप इसको दिन भर कैरी कर सकते हैं। मुझे तो पर्सनली इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है और सबसे अच्छी बात यह है कि रेट के अकॉर्डिंग साड़ी आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है। अब मैं आपको इसको स्टाइल करके दिखा देती हूँ तो आप देख सकते हैं पहनने के बाद साड़ी कैसी लग रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या आपको लग रही है कि ये इस रेंज की साड़ी है, क्योंकि पहनने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि ये इस रेट की साड़ी है। साड़ी की लेंथ और ब्रेथ बहुत ही अच्छी मिल जाती है, मतलब मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मुझे साड़ी की लेंथ में काफ़ी दिक्कत आ जाती है, लेकिन ये जो साड़ी की लेंथ है वो काफ़ी प्यारी बहुत अच्छी सी मिली है मुझे। मोस्टली साड़ियाँ जो हैं वो मुझे छोटी आती हैं लेकिन ये साड़ी जो है वो मुझे बहुत अच्छी आई है। तो अगर आपकी हाइट भी ज़्यादा है तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, साड़ी बढ़िया से आपको आने वाली है। आइए मैं आपको नेक्स्ट पीस दिखा देती हूँ। तो जो नेक्स्ट साड़ी है ये आपको सिल्क फैब्रिक टाइप के लुक में मिलने वाली है। प्योर सिल्क तो आपको इसमें नहीं मिलता है लेकिन सिल्क लुक देने वाली साड़ी आपको मिल जाती है। कलर आप देख रहे होंगे बहुत ही प्यारा सा कलर आपको मिलता है और आँचल आप देख सकते हैं कि आँचल जो है
वो भी आपको बहुत ही प्यारा सा मिलता है। यानी कि वर्क जो है उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, कोई भी थ्रेड वगैरह निकला हुआ नहीं मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कि जब मैंने साड़ी को वियर किया था तो मुझे ऐसा लगा जो लेंथ वाइज जो ऊपर से नीचे की जो लंबाई होती है उसमें मुझे साड़ी थोड़ी सी छोटी लगी है। क्योंकि मैं आपको बात बता रही हूँ कि मुझे साड़ी की जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम लगी है, लेकिन साड़ी में और कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं वर्क की फिनिशिंग कितनी ज़्यादा प्यारी है। पास से दिखा दूँ आपको तो आप देख सकते हैं कि आपको साड़ी जो है वो पूरी मिल जाती है। मतलब कि लेंथ वाइज वो बात कर रही हूँ मैं, जो आप ऊपर से नीचे की बात करते हैं तो साड़ी जो है वो आपको छोटी लग सकती है, लेकिन जब आप पूरी साड़ी देखेंगे तो उसकी जो लेंथ है वो आपको 5.5 मीटर की मिल जाती है। यानी कि प्यारी सी साड़ी है, आपको साड़ी में कोई कमी नहीं है। कपड़ा थोड़ा सा खड़ा आपको लग सकता है, क्योंकि मुझे भी कपड़ा थोड़ा सा खड़ा लगा था। वो वाला सिल्क नहीं है जो बिल्कुल आपकी स्किन से फिट हो जाता है, थोड़ा सा फूला फूला सा कपड़ा आपको लग सकता है इस साड़ी का। और इसमें आपको ब्लाउज पीस भी मिल जाता है, तो ब्लाउज पीस की जो लेंथ है वो 0.8 मीटर की मिलती है। और ये इसमें लगाने के लिए बॉर्डर भी दे रखा है जिसको आप अपनी स्लीव्स में अटैच करवा सकते हैं। तो साड़ी काफ़ी बढ़िया है, कलर मुझे पर्सनली साड़ी का बहुत पसंद आया है। और मैं आपको इसको स्टाइल करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि पहनने के बाद साड़ी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और अगर आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं अपने ब्लाउज पीस के साथ तो साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। अगर आपके पास गोल्डन कलर का ब्लाउज पीस है, आप उसके साथ साड़ी को मैच मिक्स एंड मैच करते हैं तो साड़ी और भी ज़्यादा सुंदर लगने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन रनिंग ब्लाउज की अपनी ही अलग बात होती है, तो साड़ी सेम ब्लाउज पीस के साथ भी अच्छी लगती है। तो मैं आपको वीडियो में साड़ी को स्टाइल करके दिखा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगा इस साड़ी को पहनने के बाद कि ये मुझे ऊपर से नीचे तक कि जो इसकी लंबाई है वो थोड़ी सी छोटी लग रही थी। लेकिन अगर आपकी हाइट मुझसे कम है आपको ये साड़ी बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो रेट के अकॉर्डिंग बात करूँ तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इस साड़ी के रेट, तो रेट के अकॉर्डिंग साड़ी की क्वालिटी में मुझे कोई भी कमी नहीं लगी है, लेकिन मुझे अपनी हाइट के अकॉर्डिंग साड़ी थोड़ी सी छोटी लगी है ऊपर से नीचे तक। मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, साड़ी बिल्कुल अच्छी है। अगर आप किसी फंक्शन के लिए एक प्यारी सी सटल सी बनारसी लुक देने वाली कांजीवरम टाइप का लुक देने वाली साड़ी ढूंढ रहे हैं तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। और इस साड़ी में और भी कलर ऑप्शंस हैं जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट साड़ी दिखा रही हूँ, साड़ी का कलर मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो आपको जो उसका पल्लू है वो जरी वर्क के साथ मिल जाता है, उस वो गोल्डन जरी वर्क के साथ आपको मिलता है। साड़ी जो है वो आपको कॉटन कोटा डोरिया फैब्रिक में मिल जाती है। और पूरी साड़ी पे इतने प्यारे प्यारे से कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल फेस्टिवल एप्रोप्रिएट कलर आपको मिल जाते हैं। और आपको मैं दिखा पा रही हूँ इस साड़ी में इतने सारे कलर्स हैं और कलर जो है वो खिलते हुए से कलर हैं, बिल्कुल फेस्टिवल के अकॉर्डिंग ही ये साड़ी मैंने परचेस करी है। कितनी ज़्यादा सुंदर है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जिस प्राइस रेंज में मैंने इसको परचेस किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे इतनी सुंदर से कलर कॉम्बिनेशन की साड़ी मिलेगी। मैं पूरी साड़ी आपको अच्छे से दिखा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरी साड़ी अच्छे से दिखाई दी जाए। तो साड़ी की जो लेंथ है वो बहुत अच्छी मिलती है और रनिंग ब्लाउज पीस आपको मिलता है, इसी साड़ी में ही आपको ब्लाउज पीस मिल जाता है। तो आप एक बार टेलर से पूछ लीजिएगा कि साड़ी आपको छोटी ना पड़े, उसके बाद ही इसमें से इसका ब्लाउज पीस कट करिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि साड़ी की जो लेंथ है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है तो ब्लाउज पीस मत निकालिएगा, क्योंकि इसमें इतने सारे कलर ऑप्शंस हैं तो आप किसी भी और ब्लाउज के साथ इसको पेयर कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं और कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन में भी जा सकते हैं। तो मैं भी आपको इसको पीच कलर के ब्लाउज के साथ पेयर करके दिखा रही हूँ, तो आप देख रहे होंगे साड़ी उसके साथ बहुत अच्छे से जा रही है। और साड़ी बिल्कुल फेस्टिवल एप्रोप्रिएट है, लाइट वेट साड़ी है, तो इस तरह की साड़ियाँ जो हैं वो पहनी जाती हैं, रखी नहीं रहती हैं हमारी अलमारियों में, क्योंकि अफोर्डेबल रेंज की साड़ी है तो इसको आप आराम से पहनिए, पूरे पैसे वसूल कर सकते हैं। इसलिए इसका फैब्रिक बहुत अच्छा लगा है। रेट के अकॉर्डिंग बात करूँ तो साड़ी में मुझे कोई कमी नहीं लगी है, रेट वाइज मुझे साड़ी बहुत अच्छी लगी है, बहुत कम्फर्टेबल सा फैब्रिक है।
और मैं आपको स्टाइल करके दिखा रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि साड़ी आपको कैसी लगी है। तो आपको ये हॉल वीडियो कैसा लगा है आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आप भी फेस्टिवल वेडिंग साड़ियाँ अंडर 500 देखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके साथ इस तरह के और भी हॉल वीडियो शेयर करूंगी। और अगर नए इस चैनल पे नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।